हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिएंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि आपका बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है, आप परेशान हैं, बेवजह से आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो ये बिल्कुल टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप यदि नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा में अपीयर हुए हैं और मार्क्स आने के बाद आपका मार्क्स कम आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से थोड़ा बहुत टेंशन में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेंशन में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आखिर क्यों ज़रूरत नहीं है, इसको लेकर के मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आप इसको ज़रूर देख लीजिए, थोड़ा सा विचार को देखिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका ये नॉर्मलाइजेशन होगा, इसको लेकर के शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इससे मेरा नंबर घट जाएगा और घट जाएगा, तो क्यों, किस स्थिति में घटेगा, किस स्थिति में बढ़ेगा, इन तमाम चीज़ों को आप देखिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपका टेंशन स्ट्रेस फ्री हो जाइएगा, टेंशन फ्री हो जाइएगा, जो आपका स्ट्रेस है वो बिल्कुल समाप्त होने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे देखिए, बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा, जिनका नंबर कम आ रहा है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया था कि आपको एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो एक कट ऑफ है, यानी कि जैसे देखिएगा कि जिनका भी कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ है, उस कट ऑफ को यदि आप छू लेते हैं, तो यदि आप जनरल के हैं तो 15-96 यानी 60% ले आते हैं तो आप सेफ स्कोर कहे जाएंगे, यानी कि 90 जनरल कैटेगरी के। उसके बाद देखिएगा 32% एससी एसटी को है, आप इतना यदि परसेंट लेके आ जाते हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। यदि कोई 36% लेके आ जाते हैं तो वो आप सुरक्षित जोन में, आप अपना अपना कैटेगरी में आप जान ही रहे हैं कि आपका कितना है, वहाँ तो आप सबसे पहली बात पास हो जा रहे हैं। जहाँ तक मेरिट लिस्ट की बात है, आपको मैं बता दूं कि नंबर किसका बढ़ेगा, इसके लिए आप जान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि कितना कैंडिडेट अपीयर हुआ है, एवरेज किनको ज़्यादा है, या सबसे ज़्यादा उस शिफ्ट में किनको ज़्यादा नंबर आया, किनको कम नंबर आया, दोनों का एवरेज निकाला जाता है। फिर दूसरे शिफ्ट का इसी तरह से एवरेज निकाला जाता है, फिर टोटल का एवरेज निकाला जाता है, और मान के चलिए उसमें यदि रहा कितना 90 रहा, और यदि इधर सबसे कम 30 नंबर कोई लाया था तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा। यानी एवरेज एक इधर 120 लाया है और इधर क्या है कि इधर 120 लेके आ गया, या इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे देखिएगा कि मान के चलिए कि इसका एवरेज निकल जाता है कितना, 90 निकल जाता है, आपको यदि 60 ही नंबर आया तो आप परेशान हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं, यानी कि 70 होगा तो आप देखिए 20 नंबर आपका ऐड होगा, यानी यहाँ करने के लिए, और ये कोई 120 लेके आ जाता है तो उसका 30 नंबर यहां पर घट जाएगा दोस्तों, ये भी एक बात होती है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर यदि आपको कम नंबर आया है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आपका नंबर 5 से 10 नंबर तक इसमें बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि जितना नंबर आपको आ रहा है, कम नंबर वाले खास करके ध्यान दें कि आपका यदि नंबर कम आ रहा है तो आपको 5 से 10 नंबर बढ़ने की बिल्कुल संभावना है, और जिनका 110 प्लस आ गया है तो आप सोच लीजिए कि उसको 2 से 5 नंबर घटने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि आप क्वालिफाई अपने मिनिमम कट ऑफ जितना है उतना में आप कर चुके हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट की बात यदि आ जाती है तो आप ये सोच रहे हैं कि हम फेल हो गए, हमारा 60 नंबर ही आया, हमारा 70 नंबर ही आया, किन्हीं को 90 नंबर आ गया, किन्हीं को 110 नंबर आ गया। तो आपका यदि 60 नंबर भी है, 55 भी है, तो आप पास कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम 10 नंबर तक, जिनको जितना कम नंबर है उसमें कम से कम 10 नंबर आप ऐड करके रहिए। साथ ही साथ एक बढ़ने का दूसरा कारण क्या है कि जो आंसर शीट दिया गया है इसमें बहुत ज्यादा त्रुटि है, और इसमें भी आप चैलेंज कर सकते हैं। यदि आप चैलेंज नहीं भी करते तो आंसर शीट को सुधारा जाएगा, कोई ना कोई चैलेंज करेंगे ही, और इससे भी आंसर शीट में सुधार लाया जा सकता है या सुधार लाया जाएगा ही। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आप जितना नंबर वर्तमान में लाए हुए हैं 5 से 10 नंबर की बढ़ोतरी होगी। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपको
निश्चित रूप से मेरिट लिस्ट में आप आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। आखिर किनका नंबर घटेगा तो किनका भरेगा, तो मैं पहले ही बता दिया, यानी कि जिनका नंबर जो कम नंबर लाए हैं उनका नंबर ज्यादा बढ़ेगा, और जो ज्यादा नंबर लाए हैं बहुत ज्यादा नंबर लाए हैं उनका नंबर घटेगा, चाहे दो नंबर ही क्यों ना हो उनका घटेगा दोस्तों। तो ये सारी बातें निश्चित रूप से क्लियर हो गई होगी कि आप कम नंबर ला रहे हैं तो आपका झूठेगा और जो ज्यादा नंबर लाया है उनका घटेगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।